सेबी की गाइडलाइंस ये कहती है अगर आपने लास्ट आईपीओ लाने से पहले लास्ट 3 साल में लॉसेस किए हैं, एक बार भी लॉस किया है, तो आप रिटेल वालों को 10% ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। एसेट्स बड़े बट एसेट्स अभी तक प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुए जबकि 30 साल पुरानी कंपनी है। हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे पास कोई सेटअप वगैरह नहीं है, मैं बस अपना एक वेबकैम उठा के चल दिया हूँ। बट डेफिनेटली कोशिश ये रहेगी कि इस बीच में हमारी जो लर्निंग है वो ना रुके, लर्निंग जो है छोटी छोटी भी चलती रहे, जिस तरीके का भी सेटअप है हमारा स्टॉक्स के थ्रू, आईपीओ के थ्रू। अब एक और बढ़िया सा स्टॉक का आईपीओ आ गया है, बट क्वेश्चन ये बढ़िया है या नहीं है, ये तो हम लोग आज के डिटेल्ड एनालिसिस में देखेंगे कि जैसा पहले यहाँ पर हुआ क्या था, आईक्यू का आईपीओ एनालिसिस आया था। रिमेंबर मैंने आईक्यू में डॉट टू डॉट यहाँ पर बोला था कि 36 से लेकर 49% तक के रिटर्न्स ही बनेंगे और एग्जैक्टली वहीं तक के रिटर्न्स वगैरह ही बने और वहाँ से ये नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पर मैंने पूरे डिटेल्ड एनालिसिस डाले थे। फिर उसके बाद अब एक और आईपीओ आया था और उसके तो मैंने एक मिनट के अंदर एचएमए एग्रो के एक मिनट के अंदर करे। फिर उसके बाद अब ये आइडिया फॉर्ज का आया, इसका भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, खुलने वाला है 2-3 दिन में, देख लेना। चलो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलते हैं एनालिसिस पर। साइंट डीएलएम का आईपीओ आ गया है और इसकी एक पेरेंट कंपनी साइंट ऑलरेडी लिस्टेड है। पहले इन लोगों ने यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए कोटा रखा था, वो बाद में आरएचपी में हटा दिया। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम एक एक लाइन को पढ़ेंगे मेरे साथ और देखते क्या है। इनकॉर्पोरेटेड इन 1993, ये ऑलमोस्ट मतलब 30 साल पुरानी यहाँ पर कंपनी है। साइंट डीएलएम लिमिटेड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ईएमएस सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस वगैरह, ठीक है, सच एज बिल्ड टू प्रिंट, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस हो गया, बी टू पी सॉल्यूशंस हो गया। बिल्ड टू प्रिंट जो हमने ऊपर पढ़ा, इन्वॉल्व क्लाइंट्स प्रोवाइडिंग द डिज़ाइन, क्लाइंट देता है कि भैया ये डिज़ाइन है हमें बिल्ड टू प्रिंट वगैरह करके दे दो। कंपनीज सॉल्यूशंस प्राइमरीली कॉम्प्रोमाइज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी असेंबली। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हम लोगों ने देख लिया अलग ही टाइप का बिजनेस है, यहाँ पर इनके पास दिखा रखा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वगैरह है और सर्किट्स वगैरह हो गया, बट क्वेश्चन ये है कि आगे चलकर इसकी डिमांड कैसी रहने वाली है, वो इनके एसेट्स वगैरह से अभी से आइडिया लगना हमको शुरू हो जाएगा। पहले काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या निकल कर आ रही हैं। 27 जून के आसपास आईपीओ आने वाला है, 30 जून तक रहेगा, 27, 28, 29, 30, यानी कि 4 दिन तक आईपीओ ओपन रहेगा। 5 तारीख को पता चलेगा भैया किसे लॉटरी लगी, किसे लॉटरी नहीं लगी। 6 तारीख के आसपास अनब्लॉकिंग होंगी या फिर रिफंड्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट टू शेयर 7 तारीख को आएगा, फिर सैटरडे संडे का वापस गैप मिला और मंडे यानी 10 जुलाई को यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली है, यानी कि 5 बजे तक, 30 जून को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद देखते हैं कि कुछ बेसिक डिटेल्स क्या है और फिर इसके फाइनेंशियल्स पे पढ़ेंगे और फाइनेंशियल्स पे चलने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई करना है या नहीं करना और बेसिक से इसी तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। चलो, फेस वैल्यू है 10 रुपये, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं, नॉलेज पर्पज से बताता हूँ, 1 रुपये फेस वैल्यू, 2 रुपये फेस वैल्यू, 5 रुपये फेस वैल्यू रखती हैं। देखो, जैसे ही फेस वैल्यू गिरेगा होगा क्या, प्राइस डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। मतलब अभी 10 रुपये फेस वैल्यू पर प्राइस यहाँ पे 265 है, मान लो इसकी फेस वैल्यू हो जाती 1, फेस वैल्यू हो जाती 1, तो यहाँ पर क्या होता है, शेयर्स हो जाते हैं आपके पास मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका प्राइस हो जाता है यहाँ पर 26 के आसपास। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही ये स्प्लिट हुआ, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, प्राइस कम हो गया, यानी लिक्विडिटी बढ़ गई। वापस आते हैं, प्राइस बैंड रखा है 250 से 265, 252, 265। हमेशा याद रखना, कभी भी आप फर्स्ट टाइम अप्लाई जो कर रहे हो, जो लोगों ने अभी तक आज तक अप्लाई नहीं किया है, 265 रुपीज़ यानी कि जो अपर बैंड है उस पे मैं हमेशा अप्लाई करने वाला हूँ। 56 शेयर्स का एक लॉट है जो कि यहाँ पर पड़ेगा 14,840 का। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, टोटल इशू साइज। कंपनी यहां से 592 करोड़ रुपीज उठाना चाह रही है जो कि 100% फ्रेश इशू है, ओएफएस 1 रुपए का भी नहीं है। मतलब कंपनी जो पैसा उठाएगी वो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, कोई सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास नहीं जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है।
एम्प्लॉय डिस्काउंट यहाँ पे 15 रखा है, तो एम्प्लॉयज़ का कोटा भी यहाँ पर इन्होंने डाल दिया, ठीक है। दोनों बोर्सेज पे आने वाला है, बीएससी और एनएससी दोनों पे आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब क्यूआईबी के लिए नॉट लेस देन, यानी कि 75% से कम आपको नहीं देंगे। एनआईआई या एचएनआई के लिए उन्होंने रखा है नॉट मोर देन, मतलब 15% से ज़्यादा भैया आपके लिए नहीं है, आप 15% तक ही ले सकते हो। और रिटेल वालों के लिए नॉट मोर देन 10, आप देखोगे कहीं पे नॉट मोर देन 10 है, नॉट लेस देन 35 है, ये है क्या। सेबी की गाइडलाइंस ये कहती है अगर आपने लास्ट आईपीओ लाने से पहले लास्ट 3 साल में लॉसेस किए हैं, एक बार भी लॉस किया है, तो आप रिटेल वालों को 10% ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात, प्री होल्डिंग कितना था, कंपनी का प्री होल्डिंग था 92, पोस्ट होल्डिंग हो जाएगा 66, वो भी फेयर इनफ। और इनकी यही पेरेंट कंपनी है साइंट जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स का बेस्ट पार्ट ये कि फाइनेंशियल्स ना सब बता देती है कि कंपनी ने अभी तक कितना बिजनेस करा, आगे जाके कितना करने वाले हैं। चलिए जी, रुपीज इन करोड़ है यहाँ पर मेरे पास, एसेट्स से स्टार्ट करते हैं। 593 के एसेट्स थे जो कि ऑलमोस्ट 10% बढ़ के हो गए 645 के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है 776 की, और उससे भी इम्पॉर्टेंट ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरे पास 50% की ग्रोथ है, 1100 करोड़ के आसपास के यहाँ पर एकदम से एसेट्स में जंप आया, यानी लास्ट ईयर इन्होंने 50% की ग्रोथ करी एसेट्स में, ये फैबुलस लग रहा है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। रेवेन्यू 464 करोड़ का रेवेन्यू था यहाँ पर, ऑलमोस्ट अगेन 50% जंप आया, ऑलमोस्ट 636 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में कुछ एक खासा जंप नहीं आया, 728 करोड़ के आसपास हुआ, फिर वापस से एक अच्छा खासा हल्का सा जंप आया, ऑलमोस्ट 110 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू बढ़ी 838 करोड़ का, ठीक है। यानी कि मार्च 22-23 और फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करी जाए तो यहाँ पर कंपनी के पास एसेट्स तो बढ़े, रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये रीजन था लॉस, यहाँ पर लॉस हुआ जिसकी वजह से रिटेल वालों को 10% से ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले था 6 करोड़ का लॉस, जो कि लॉस रिकवर करके उल्टा प्रॉफिट में आए 11 करोड़, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद मल्टीफोल्ड हुआ, 3 गुना हुआ, और इनफैक्ट 3.5 times एक्चुअली ये हुआ 40 करोड़ के आसपास, पर वापस से हल्का सा ड्रॉप हुआ 31 करोड़। अब देखना, सेल्स तो बढ़ी 110 करोड़ से सेल्स बढ़ी, बट यहाँ पे पैट गिर गया। अब इसके क्या क्या रीज़न है वो समझते हैं। पहले बोरोइंग्स, 261 करोड़ की बोरोइंग्स थी, ऑलमोस्ट 10% से कम करी, 233 रह गई, बट वापस से बढ़ा दी 20% से 293 हो गई, और फिर वापस से यहाँ पर बढ़ा दी अच्छी खासी 10% के आसपास राउंड ऑफ टू, तो वापस से 314 करोड़। अब देखो यहाँ पे पहले जो इंटरेस्ट जा रहा था वो जा रहा था 293 करोड़ पे, अब जाएगा इंटरेस्ट 314 पे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा, बट इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए था कि सेल्स बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट कम हो गया, यानी कि यहाँ पर कंपनी के मार्जिन्स में हिट हुआ, यहाँ पर कंपनी के मार्जिन्स में हिट हुआ। मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो मैं 6.5 out of 10 मार्क्स देने वाला हूँ। नंबर वन, बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है, फेयर एनफ समझ आता है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कंपनी के मार्जिन्स ने हिट लिया, एसेट्स बढ़े, बट एसेट्स अभी तक प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुए, जबकि 30 साल पुरानी कंपनी है। अगर कोई नई कमीली कंपनी होती 4 साल 5 साल 7 साल पुरानी तो समझ आता है स्टार्टिंग में एसेट्स में खूब सारा पैसा लगाना पड़ेगा, बोरोइंग्स भी रेज करनी पड़ेगी, बट ये ऑलरेडी एक इनकी पेरेंट कंपनी लिस्टेड है, 30 साल पुरानी कंपनी है, फिर भी एसेट्स ढंग से अभी तक यूटिलाइज नहीं हो पाए हैं। चलो अब आ जाते हैं मेरी बात पे, अब वैल्यूएशंस पे आते हैं। पहले डेफिनेटली यहाँ पर सेक्टर की बात करें, सेक्टर अच्छा लग रहा है, साइंट हमने ऑलरेडी देखा, यानी कि इसकी पेरेंट कंपनी जो है उसने एक अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया है, इन्वेस्टर्स को पैसा बनाकर दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात करें वैल्यूएशंस की, तो 265 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूएशंस अभी भी बहुत जस्टिफाइड लग रही है, बहुत जस्टिफाइड वैल्यूएशंस यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं अभी अलॉटमेंट और उसकी बात करूँ कि अलॉटमेंट कितनी हो सकती है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, और लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है, नंबर वन डेफिनेटली यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा होने वाला है। क्यों? क्योंकि रिटेल के पास नॉट मोर देन 10% है, रिटेल के लिए 10% ही मैक्सिमम है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 20-25 times के आसपास इजिली यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
अब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो अलॉटमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब मुझे अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो मैं मल्टीपल पैन अकाउंट से, मैंने लास्ट टाइम वर्ड यूज़ कर रहे थे मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, तो लोगों ने पूछा भी था कि क्या अगर मेरे पास एक पैन कार्ड है और दो डीमैट है, एक मेरा एंजल में एक जीरोधा में, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, वन पैन कार्ड वन एप्लीकेशन ही अलाउड है। तो मैं मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करूँगा, मम्मी का, पापा का, भाई का, ड्राइवर का, इसका, उसका, दोस्त का, जो मिलता है उससे करूंगा, ताकि मल्टीपल एप्लीकेशन जाए और मेरे अलॉटमेंट के चांसेस यहां पर बढ़ जाए। तो ये तो क्लियर है कि मैं डेफिनेटली अच्छा खासा यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। अब आते हैं लिस्टिंग गेन की बात पर। अगेन यहां पर 35 से लेकर 55% के आसपास यहां पर मुझे क्लियरली यहां पर अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स दिखाई दे रहे हैं। अब उसका रीज़न क्या है वो भी समझ लेते हैं। उसका मेन रीज़न है ये एसेट्स, यहां पर जो एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करा है वो आगे जाके दो तीन क्वार्टर एक दो साल में अच्छे खासे रिटर्न्स दिखाई देगा। जब कंपनी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने नहीं देखे वो भी देख लेते हैं, जो आपसे पैसा उठा रही है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो वो ये पार्ट समझना है, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और बोरिंग्स। यानी कि अगर कंपनी अपना एक डेढ़ दो साल में अपना यहाँ पर बोरिंग्स भी कम करती है तो वो यहाँ पर पैट में दिखाई देगा और ईपीएस उसका बूस्ट करेगा। तो ये थे साइन डीएलएम के डिटेल्ड एनालिसिस, डेफिनेटली मैं अप्लाई करने वाला हूँ जहाँ पर मुझे 35 to 55% लिस्टिंग गेंस मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।